तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूँ प्रोमीत घोष और आज जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये है एक सुपर सेडान, BMW के पोर्टफोलियो से सबसे पावरफुल गाड़ी उनकी M5। और ये उनका फर्स्ट एडिशन है जो कि इंडिया में सिर्फ चार हैं और चारों बिक चुके हैं। और BMW बोलता है कि इसका जो प्रीवियस जनरेशन वाला मॉडल था वो अच्छा था, बट ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए ये वीडियो और हम आपको बताएंगे ये M5 F90 के बारे में सब कुछ। तो जी दोस्तों, शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करेंगे वो ये बोनेट पे जो ये लाइन बने हुए हैं ये काफ़ी प्रोमिनेंट है और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये काफ़ी चौड़ा बोनेट है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा V8 इंजन है, तो उस हिसाब से बोनेट काफ़ी वाइड है। और तो और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि ये फायरी रेड मेटालिक कलर में है और सामने का सब कुछ ब्लैक आउट है, क्योंकि एक फर्स्ट एडिशन है इसीलिए ये पेंट स्कीम इसको दिया गया है। इसको मिलते हैं यहाँ पे स्लीक लुकिंग BMW एडाप्टिव LED हेडलाइट्स। तो हेडलाइट्स के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, हेडलाइट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, इसको फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसका लो बीम पर हाई बीम उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स जो हैं इसी में है, तो जब आप हाई बीम लगा के आप स्टेयरिंग मोड़ते हैं तो लाइट लेफ्ट टू राइट जाती है, जो कि कॉर्नरिंग लाइट्स बेसिकली यहाँ दिए जाते हैं। वो सारा सब कुछ फॉग लैम्प से लेकर कॉर्नरिंग लाइट सभी इस यूनिट में मौजूद है। और तो और आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिलता है एक M5 का बैज और बाकी सब ब्लैक्ड आउट है। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा सा आपको ग्रिल मिल जाएगा और वेंट्स मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रेडिएटर्स लगे हुए हैं। ये बड़ा सा V8 इंजन जो है इसको ठंडा करने के लिए काफ़ी हवा चाहिए होता है, तो उसको हवा जो है ये खींच के अंदर देता है। और तो और दोस्तों, आप सामने से अगर इसमें एक रेगुलर पेंट स्कीम लगा देंगे तो जनरली लोग इस गाड़ी को पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि ये उतना ज़्यादा ये शाउट आउट नहीं करती है अपने बल्किनेस और अपने पावर के बारे में जैसे दूसरी गाड़ियाँ करती हैं। तो आप अगर इसमें एक रेगुलर पेंट स्कीम डाल देंगे और एक नॉर्मल सा ग्रिल डाल देंगे तो ये नॉर्मल 5 सीरीज़ ही लगेगी, पर जो गाड़ी के शौकीन लोग हैं दोस्तों वो ये गाड़ी देख के ज़रूर पहचान जाएंगे। तो दोस्तों ये है फ्रंट एंड BMW का और ये काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ गाड़ी के साइड के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गाड़ी के साइड में आपको प्रोमिनेंट शोल्डर लाइंस मिल जाती है जो कि यहाँ से ये मिड ऑफ द बोनेट से पूरा टेल लाइट तक कैरी होता है और ये काफ़ी स्पोर्टी नेचर देता है गाड़ी को, काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। आपको यहाँ पर मिलते हैं बॉडी कलर्ड ORVM जिसमें LED इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड हैं। और यहाँ पर आपको आगे मिल जाता है एक M5 का बैज और ये जो है यहाँ पर ये वेंट्स है। तो गाड़ी जब बहुत हाई स्पीड में होती है तो वो वेंट्स जो है वहाँ से हवा बाहर निकलती है। और आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि इसको मिलते हैं ये 20 इंच के अलॉय व्हील्स, काफी अच्छे लुकिंग ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ इसमें ब्लैक्ड आउट है, क्रोम का कोई प्रेजेंट नहीं है। ये अलॉय व्हील्स काफी बड़े हैं इस गाड़ी के हिसाब से और काफी अच्छे हैं। इसको मिलते हैं मिशलिन के टायर्स और कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स जो इसमें फिटेड है ये ऑप्शनल है। तो आप अगर गाड़ी स्पीड में है और आप रोकना चाहते हैं तो आप बस ब्रेक दबाइए और ये गाड़ी आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी ये ब्रेक्स और रोक देगी इस गाड़ी को। और तो जब आप साइड से गाड़ी को देखते हैं दोस्तों, साइड से ये गाड़ी काफी बड़ी लगती है खासकर इन अलॉय व्हील्स के चक्कर में। आपको एक और चीज बताऊं कि इससे वेट रिड्यूस करने के लिए BMW ने क्या किया है, इसमें कार्बन फाइबर का रूफ दिया है। तो ये रूफ यहाँ पे सनरूफ मौजूद नहीं है जो कि टोटली वेट रिडक्शन के लिए है ताकि इसका वेट कम रहे और गाड़ी परफॉर्मेंस को हैम्पर ना करे। तो ओवरऑल दोस्तों जैसे कि आप देखिए साइड से ये गाड़ी वैसे तो काफी अच्छी दिखती है, अगर जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये अगर एक नॉर्मल पेंट स्कीम में और इसके ये ब्लैक्ड आउट टायर्स वगैरह नहीं है तो ये नॉर्मल रेगुलर 5 सीरीज लगेगी। बट जो शौकीन लोग हैं गाड़ी के वो इस गाड़ी को देख के साइड से कहीं से भी देख के पहचान जाएंगे ये एक BMW की M5 है। तो जी दोस्तों, अब आते हैं गाड़ी के लास्ट पार्ट एक्सटीरियर पे जो कि है गाड़ी का रियर एंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रियर एंड भी काफी सटल है गाड़ी का, बहुत कुछ मौजूद नहीं है इसमें। आपको यहाँ पे एक M5 का बैज मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटेड बूट लिप स्पॉयलर मिलता है ब्लैक कलर का जो कि हवा ऊपर पुश करता है हाई स्पीड में ताकि गाड़ी दबी रहे नीचे की तरफ। उसके लिए आपको यहाँ पे एक डिफ्यूज़र भी मिलता है और ये चार टेल पाइप्स। ये जो एग्जॉस्ट है इसमें दोस्तों बटरफ्लाई वाल्व है, तो जब आप स्पोर्ट मोड में शिफ्ट करते हैं तो ये वाल्व खुल जाता है और गाड़ी बहुत ही अच्छी साउंड करती है। और जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं तो ये कई तरीके की आवाज़ें निकालती है। जब आप एक गियर डाउन करेंगे जैसे थर्ड से सेकेंड आप लाते हैं, ये काफ़ी अच्छी साउंडिंग गाड़ी है दोस्तों। और आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे एक रिवर्स पार्किंग कैमरा जो कि 360 डिग्री कैमरा ऑप्शन है इस गाड़ी में। सिंस हम लोग रियर की बात कर रहे हैं तो आइए चलिए इसका बूट भी आपको दिखा देता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मिलता है एक 530 लीटर का बूट, एक 530 लीटर का बूट जो कि काफी बड़ा बूट है, बूट काफी गहरा है और पांच लोगों के लगेज रखने के लिए काफी जगह है इसमें। आप अगर वेकेशन पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी जगह है इसमें काफी कुछ रखने के लिए। और ये बूट एक इलेक्ट्रॉनिक बूट है, तो आप बटन दबाइए और बूट बंद हो जाता है, पीछे से भी गाड़ी काफी अच्छी लगती है। अब हम आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे M5 के, और सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं वो है इसकी सीट। तो जब भी BMW एक नया M5 लॉन्च करता है वो सीट को काफ़ी अच्छा कर देता है और सीट के गेम को काफ़ी अच्छा कर देता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इन सीट्स के बारे में। तो ये जो सीट्स है दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल है, ये देख सकते हैं सीट जो है वाइट, जो है ऑफ वाइट कलर में है जिसमें रेड कलर की स्टिचिंग है। और ये सीट्स 18 वे एडजस्टेबल हैं, तो 18 तरीके से आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं। आप मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, आप कैसे भी प्रकार के हैं, आपको ये सीट एकदम परफेक्ट आप सेटिंग्स कर सकते हैं इससे। और तो और आपको यहाँ पे स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक मिलता है यहाँ पे। आप ऊपर नीचे इसको टेलीस्कोपिक, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है जो कि ऑटोमेटिक है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है। स्टेयरिंग व्हील के बारे में एक चीज बताऊँ, काफी अच्छा और चंकी लुकिंग स्टेयरिंग व्हील है, काफी चौड़ा स्टेयरिंग व्हील है और इसमें लेदर मौजूद है। और यहाँ पे आपको एक M बैजिंग मिल जाएगा M स्टिचिंग के साथ। पैडल शिफ्टर्स के सामने जो कि एक खास चीज है इस गाड़ी के बारे में वो है यहाँ पे दो लाल कलर के बटन दिए गए जिसमें M1 और M2 लिखा गया। इसमें आप ये बेसिकली मोड 1 और मोड 2 है, तो आप इन मोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ एक जो 10.5 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, इसके थ्रू आप ये मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एक क्लिक ऑफ अ बटन पे आप इस गाड़ी का मोड चेंज कर सकते हैं, जिसकी मैं बता रहा था स्पोर्ट्स है। और पहली बार दोस्तों M5 में एक फोर व्हील ड्राइव दिया गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि M5 में फोर व्हील ड्राइव गाड़ी ने अपना चार्म लूज कर दिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसमें BMW ने क्या किया है, इसमें एक रेयर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया है। इसमें फोर व्हील ड्राइव है, फोर व्हील ड्राइव स्पोर्ट है और रेयर व्हील ड्राइव, तो जो शौकीन आदमी है जिनको थोड़ा सा ड्रिफ्ट करने में मजा आता है वो रेयर व्हील ड्राइव पे लगा के ये गाड़ी को साइडवेज लेके जा सकते हैं, ड्रिफ्ट कर सकते हैं आप ये गाड़ी। और तो स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स काफी अच्छे हैं और इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है एक। और तो और दोस्तों ये आप गियर लीवर देखिए, ये काफी अच्छा लुकिंग गियर लीवर है, किसी एक रोबो का जो है स्कल टाइप का ये ऐसे जो गियर बॉक्स दिया गया है। और आप बहुत सारी चीजें इसमें ट्यून कर सकते हैं, इंजन ट्यून कर सकते हैं, सस्पेंशन ट्यून कर सकते हैं, स्टीयरिंग ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइट्स की सेटिंग मिल जाती है पूरी, ये वाइपर की सेटिंग है और यहाँ पे लाइट का हाई बीम लो भी मिल जाता है। वो दरवाजे पे आपको सीट मेमोरी दोनों ड्राइवर और पैसेंजर के लिए और बाकी सब विंडोज और ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप जो डोर सिल है, यहाँ पे ये डोर सिल में ये M5 जो लिखा हुआ है ये ग्लो करता है रात को, तो जब भी आप दरवाजा खोलेंगे ये आपको ग्रीट करेगा ग्लो करके। वही सेम चीज यहाँ सीट पे मौजूद है, सीट पे M5 जो लिखी हुई है वो भी ग्लो करती है, जो कि एक काफी अच्छा फीचर है मेरे को लगता है। जब आप गाड़ी अनलॉक करते हैं तो वो दूर से दिखता है M5 की सीट जो है काफी कंफर्टेबल है और काफी अच्छी है, और यहीं पे होना चाहिए एक आदमी को जब आपके पास एक गाड़ी हो ऐसी। तो दोस्तों ये थी फ्रंट सीट M5 की, और क्योंकि ये एक सुपर सेडान है तो लग्जरी कार तो है ही है ये, तो चलिए आइए चलते हैं पीछे और मैं आपको पीछे की सीट के बारे में सब कुछ बताता हूँ। तो जी दोस्तों अब हम आ चुके हैं M5 के पिछले वाले सीट पे, तो पिछला सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। और जैसे कि आप सबसे पहले चीज़ नोटिस करेंगे, आपको यहाँ पे ये स्क्रीन मिल जाएंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली स्क्रीन, तो ये ऑप्शनल है और काफ़ी अच्छा है ये। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आपको लिए कोई और गाड़ी चला रहा है, आपको कुछ बैठ के देखना है, तो आप इस पर देख सकते हैं। और तो और ये इसमें 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप यहाँ से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं। एक बी पिलर पे एक AC का वेंट मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है, आपको डायरेक्टली हवा नीचे से और साइड से दोनों तरफ से आती है। इसमें बाउल एंड विल्किंस के साउंड सिस्टम है, 1300 वॉट का साउंड सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा है और सब तरफ सॉफ्ट टच लेदर प्रेजेंट है। ऑल्सो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसका जो सीट बेल्ट है उस पर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे M स्टिचिंग दिया हुआ है, यहाँ पे M बैज आता है, उसकी जो स्टिचिंग होती है वो यहाँ पे दी गई है ये, ताकि थोड़ी अलग लगे गाड़ी उससे। और तो और ये सेम डोर सिल पे आपको वो M5 का इल्यूमिनेटेड बैज मिल जाएगा, जैसे कि ये सामने मिलता है और ये फ्रंट सीट के आगे मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा जाने में दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे जो है ये ट्रांसमिशन टनल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सल गया हुआ है क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन भी है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर जाने में दिक्कत होती है क्योंकि ये चीज़ जैसे एक्सल रन हो रहा है। तो ये सीट बेसिकली 3 लोगों के लिए है, अगर 3 लोग नहीं जा रहे तो आप इस आर्मरेस्ट को नीचे पुल कर सकते हैं, आपको अगर यहाँ ये कप होल्डर्स मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे कि मैं बोल रहा था 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल है, तो यहाँ पे आपको ये रेयर के लिए आपको ये सेटिंग मिल जाएगा क्लाइमेट कंट्रोल का। यहाँ पे आपको ये भी मिलता है एक ऑप्शन यहाँ पे CD प्लेयर का, और तो और आपको यहाँ पे 2 हेडफोन के लिए आउटपुट भी मिलते हैं, अगर आप कुछ यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे जाके कुछ देख सकते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं उसको। और आपको यहाँ पे दोस्तों मिलता है 2 चार्जिंग सॉकेट, रेयर है M5 का, काफ़ी कंफर्टेबल है ये। बेसिकली ये फुल्ली लोडेड 5 सीरीज़
तरह ही लगती है। अगर कोई बाहर से दरवाजा खुला हो और कोई देखे तो 5 सीरीज उसने देखा है तो उसको लगेगा एक फुली लोडेड 5 सीरीज ही है। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी का रेयर काफी अच्छा है और काफी कंफर्टेबल है। तो जी दोस्तों ये है इंजन M5 का और जैसे कि आप देख सकते हैं काफी पैक्ड और काफी बड़ा इंजन है। तो मैं आपको इस इंजन के एक छोटा सा ब्रीफ दे दूंगा। तो ये एक 4.5 बेसिकली 4.4 लीटर ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि 600 हॉर्स पावर और 750 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है। मतलब क्या बताओ, ये बहुत ज्यादा पावर है दोस्तों, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा ऐसे। तो आप सोचिए ये सारा पावर इसका जो रेयर व्हील ड्राइव है, जब इसके सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव पे जाता है तो ये गाड़ी इनसेन अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस देती है। और इसका 0 to 100 जो है क्लेम्ड है अंडर 3.4 सेकंड्स, लेकिन 3.5 सेकंड हिट करती है ये। 0 to 200 अंडर 12 सेकंड में आता है और ये गाड़ी का टॉप स्पीड 305 किलोमीटर तक है दोस्तों। प्रीवियस जनरेशन जो M5 था उससे BMW क्लेम करता है कि ये 40 ज्यादा हॉर्स पावर, तो वो 560 थी ये, 600 Nm है और 50 Nm टॉर्क निकालता है, वो शायद 700 था और ये 750 Nm है। तो दोस्तों ये इंजन काफी फिनोमिनल है, बहुत पावर है इस गाड़ी में और हम लोग ये चलाएंगे और आपको चला के भी बताएंगे। माइलेज वाइज दोस्तों कंपनी क्लेम करती है 10 का माइलेज, लेकिन हम लोग सिटी में चला रहे हैं और हम लोग को 4.5, 5, 6, कभी कभी अगर बहुत लकी हुए तो 6 मिल जाता है। आप लोग इस गाड़ी से माइलेज एक्सपेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है और ये इंजन काफी अच्छा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम वापस आ चुके हैं M5 के ड्राइविंग सीट पे। एक बार और मैं आपको इसका इंजन ब्रीफ दे देता हूँ। तो ये गाड़ी पावर होता है एक 4.4 लीटर 4.5 लीटर ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन से। पावर आउटपुट इस गाड़ी का है 600 हॉर्स पावर और 700 Nm ऑफ टॉर्क। ये 5 सीरीज पे बेस्ड है। तो जैसे कि इसमें मोड्स के लिए आपको यहाँ पे ये M1 और M2 दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है। तो इसमें फोर व्हील ड्राइव स्पोर्ट और 2 व्हील ड्राइव भी है एंथुजियास्ट के लिए जो कि ड्रिफ्ट वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन BMW जो है वो रेयर व्हील ड्राइव थी और पहली बार एक M5 को 4 व्हील ड्राइव दिया गया है। बट आप इसको रेयर व्हील ड्राइव पे भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है, आप उसको कोशिश ना करें क्योंकि जब आप रेयर व्हील ड्राइव या जब आप 4 व्हील ड्राइव स्पोर्ट पे लगाते हैं तो होता यह है कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाता है। तो उससे क्या है, इतना पावर जो है आपको रोड पे अगर आप नहीं संभाल पाए तो आप गाड़ी लेके कहीं ना कहीं तो घुस ही जाएंगे। सीट काफी कंफर्टेबल है, सब चीजें एडजस्ट हो सकती हैं, सब चीजें बिस्पोक तरीके से आप कॉन्फिगर कर सकते हैं गाड़ी में। सीट का कलर, आप स्टिचिंग, स्टेयरिंग, मतलब आप जो चाहें इस गाड़ी में अपने चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हैं। गाड़ी को आप कितने तरीके से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, सस्पेंशन की सेटिंग हो गई, आपकी स्टेयरिंग की सेटिंग हो गई, इंजन सेटिंग हो गई, मोड्स के अलावा आप इंडिविजुअल भी सेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। 0 to 100 आप अचीव कर सकते हैं इसमें, 3.4 सेकंड्स क्लेम्ड है, 3.5 सेकंड्स के आसपास लगता है। और अगर आप 0 to 200 जाएंगे तो वो कुछ 12 सेकंड के अंदर ये लेके जाएगी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में, मैं जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, जैसे मैंने बोला था कि हर बार BMW आता है तो सीट्स इतने कंफर्टेबल हैं इसके कि स्पोर्टीनेस इसमें सीट्स, ये बकेट सीट्स है, स्पोर्टी सीट्स है, बट इसमें उतना ही कुशनिंग है, उतना ही कंफर्ट है जो कि एक रेगुलर 5 सीरीज में आपको मिलेगा। आप बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं बैठेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस गाड़ी के साथ। और दोस्तों इसको एक हेडजप डिस्प्ले भी मिलता है जो कि कई तरीके से कॉन्फिगर कर सकते हैं आप। आपको अगर एम व्यू में चाहिए तो वो एम व्यू में, आपको अगर नॉर्मल मोड में चाहिए तो वो नॉर्मल मोड में भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो आप इस गाड़ी में आप कॉन्फिगर कर सकते हैं। और मेरी तरफ से तो इस गाड़ी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा थम्स अप है, BMW ने एक बहुत ही फिनोमिनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है इस गाड़ी को निकाल के, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई ये गाड़ी चला के। मतलब एक ऐसी कार है जिसके साथ आप मजाक नहीं करना चाहेंगे। आप अगर एक्सपर्ट है तभी आप जो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ऑफ करके आप करिए, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो और आपको अगर आदत नहीं है इसको चलाने की तो आप कृपया इस पे आप कोई भी स्टंटबाजी ट्राई ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट गाड़ी है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी BMW की M5 और ये फर्स्ट एडिशन वाला मॉडल है और ये इस रेड फायरी मेटालिक पेंट स्कीम में बहुत ही अच्छी लग रही है। आई होप हम लोगों ने गाड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी है आपको। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम लोग आपको उसका जवाब दे देंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं प्रोमीत साइन आउट करता हूँ, मिलता हूँ अगली बार।